सो गाइस यार लोकेशन चेक करो यार, क्या ही मस्त लोकेशन है। पर बस एक चीज़ की कमी है यार, क्योंकि ना इस वर्ष ना पूरा हर जगह पे बारिश का कमी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ भी यार मैंने सोचा था एकदम पूरा ये जो डैम है वो भरा होगा, पूरा नहीं फिर आधा तो ज़रूर भरा होगा, पर यार यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम पानी है तो थोड़ा सा कमी महसूस हो रही है। खैर कोई बात नहीं। हाय चिड़िया की आवाज़ आ रही है यार, क्या मस्त, देखो पीछे से चिड़िया ना अभी आ रही है। तो गाइस यार चलो अब सीधा कैंप पिच करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। बारिश नहीं होगा क्या भाई? बारिश पता ना यार, सुबह से बारिश हो रहा है, तो रहा है। गाइस यार बारिश के लिए हम लोग आज ना इस लोकेशन पे हम लोग आज मतलब कैंपिंग करने का प्लान नहीं था, लेकिन बारिश की वजह से प्लान बन गया यार। बारिश नहीं हुआ ना तो फिर कोई बात नहीं, फिर भी मजा करेंगे, फुल मस्ती। बारिश होता तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। वेदर एक बार चेक कर लेना। तो गाइस यार फाइनली अब हमारा टेंट पिच हो चुका है, तो चलो मनीष भाई अब क्या किया जाए? बस खाना पकाना। तो गाइस अब जल्दी से खाना पकाना शुरू करते हैं, क्योंकि यार शाम भी हो चुकी है और खाना बनाने में टाइम तो बहुत ज़्यादा लगता है, खाने भी टाइम लगता है, तो जल्दी से काम करते हैं अपना। गाइस यार हम लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं तो, पर अभी तक लग नहीं रहा है ऊपर मौसम देख करके कि बारिश होगा। मनीष भाई एक बार चेक कर लो ना फोन में कि बारिश होगी या नहीं। तो गाइस देखते हैं बारिश होगी नहीं, फोन में चेक करके देखते हैं। ओ भाई क्या ये देख, 7 से 12 बजे तक अभी का कहाँ का है, यहीं का है ना, चतरा। हाँ गाइस यार बारिश तो पूरा दिखा रहा है, देख सकते हो आप लोग 7 से 12 बजे तक। तो गाइस यार अगर बारिश हो गया ना तो बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा, क्या मनीष भाई मजा आएगा ना एकदम। वेदर में भी देख रहा हूँ अभी, देखा फिर से वेदर में गाइस यार पूरा दिखा रहा है 7 से लेकर 12 बजे तक बारिश होने वाला। अभी कितना बज रहा है मनीष? 6:10 हो रहा है, 6:11 हो रहा है, तो 1 घंटे में लगभग बारिश आने वाली है। तो गाइस यार भगवान इंद्रदेव का आगमन होने वाला है तो इसके लिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं। तो ओ गाइस यार देखो एक बार आप लोग, फिर से मैं दिखा रहा हूँ 7 से लेकर 12 बजे तक दिखा रहा है। देखो अभी टाइम कितने हुए हैं, 6:11 बारिश का, अब वेट करते हैं हम लोग। आज बनने वाली है मशरूम, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। और आज के हमारे सेफ हैं मनीष भाई, एकदम टेस्टी खाना बनेगा क्या ब्रो? तो चलो मशरूम बनाते हैं।
डाल दो। ना यार इतना मत डालो। क्या बोलते हैं वो आग लगा करके क्या बोलते हैं उसको, वो रोस्ट फायर मशरूम चिकन, सॉरी फायर मशरूम मसाला, फायर मशरूम मसाला, तो वो नहीं बनाना हम लोग को। गाजर आगे ना पूरा आगे डैम है तो पानी है तो मज़ा आ रहा है। ये पूरा खुला एरिया है ना तो अभी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, स्पेस मतलब काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। और इसकी खुशबू से यार रहा नहीं जा रहा। गाइस यार क्या मस्त लग रहा है अभी एकदम। रोटी साहब खाना रहता ना तो इतना ही ग्रेवी में निकाल लेते ना। इसमें कोई खर्च नहीं। गाइस यार इसका रोल खाने में मजा आ जाएगा सच बोलने से। भाई रोटी बनाना आता है हमें, रोटी मैदा लेके आते हैं। ये मस्त एकदम ग्रेवी इसका काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है ना, वो क्या बोलते हैं मंचूरियन जैसा ना। भाई बहुत टेस्टी लग रहा है। गाजर हमारा मशरूम लगभग कंप्लीट हो चुका है तो अब इसमें धनिया डाल देते हैं क्या। ये चावल ना थोड़ा पिल्ला लग रहा होगा क्योंकि इधर का ना पानी ही वैसा है। सो गाइस यार अब पूरा खाना बन चुका है तो अब बारी है खाने की। तो गाइस यार ये देखो यार क्या मस्त डिलीशियस बना है। ये देखो बंदे को कैसा बना है, थोड़ा सा नमक कम लग रहा है पक्का, नमक वाला बाहर ही रखा होगा। तो गाइस यार थोड़ा नमक ऐड करते हैं इसमें। और ये रहा हमारा चावल, तो ये भी बन के रेडी है गर्मा गर्म। देखो यार क्या मस्त वास्प निकल रहा है। तो गाइस यार चलो अब सीधा परोसते हैं एक दोनों थाली में और खाते हैं। तो गाइस यार मस्त एकदम मशरूम निकल चुका है गर्मा गर्म, तो अब चलो खाते हैं। पहले मशरूम टेस्ट किया जाए, भुंजिया में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। भुंजिया में ज़्यादा मज़ा आ रहा था यार। चावल सब खाएगा तो थोड़ा सा टेस्ट में कंप्रोमाइज़ करो, भुंजिया में ज़्यादा मज़ा आता है। खा के आपको बताता हूँ कैसा स्वाद लग रहा है। मस्त बना है पर भुंजिया में ज़्यादा मज़ा आ रहा था। हाँ रियली भुंजिया में ना ज़्यादा मज़ा आया था, तो चावल सब खाने में ना थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। ग्रेवी आप चिकन भी कभी बनाओगे ना जब ग्रेवी डालोगे तो थोड़ा टेस्ट में कमी आ जाता है, मसालेदार रहता ना इसलिए ज़्यादा मज़ा आता है। बारिश तो धोखा दे ही दिया है। बारिश यार हम लोग सब प्रैंक हो गया। गाजर पता है पूरा एकदम परसेंटेज दिखा रहा था 40% ना। यार एक बूंद तक पानी नहीं आया। सो गाइस यार गला यार अभी तक ठीक नहीं हुआ यार। पता है वो जो भूत वाला जो बनाया ना वीडियो, वो यार तब से ना मेरा अभी तक तबीयत ठीक नहीं हुआ है। मैं दूसरा वाला बैग लेकर आया हूँ वरना मैं आपको दिखाता। और यार अभी याद आया यार मेरे को, मैं तो दवा लाना ही भूल गया। गाइस मेरा अभी तक तबीयत ठीक नहीं हुआ है वो भूत वाला, नहीं पता नहीं क्या मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि उस वजह से कुछ ऐसा मेरा तबीयत ख़राब है अभी तक या कुछ और, मेरे को अभी तक नहीं पता। और गाइस यार अभी तक आप लोग वो भूत वाला 100+ 24 hours 100+ का चैलेंज था, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाओ और जल्दी से देखो उसको। तो गाइस यार अभी तक मेरा तबीयत ठीक नहीं हुआ है, सारे जगह इलाज करा रहे हैं तो देखते हैं जल्दी ठीक करते हैं और आपको मस्त मस्त जगह पर कैंपिंग करने के लिए ले चलते हैं। तो चलो अब बहुत रात हो चुकी है और मनीष भाई अब सोने का। ओए हाँ भाई यार तो हम तो पहले ही सो लिए हैं आधा नींद यार, थोड़ा देर ना हम लोग आराम कर लिए हैं फिर। तो गाइस यार अब चलो सोते हैं और बाय बाय गुड नाइट। और गाइस यार जो लोग हमारे इस चैनल पे नए हो यार प्लीज़ से सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लेना। और गाइस यार कोई भी अच्छा लोकेशन हो तो वो बताओ, या आपको लगता हो कि हमें जल्दी से 1000 सब्सक्राइब पूरा कर दो, उसके बाद ना जो वीडियो आएगी ना वो पूरे इंडिया में नेक्स्ट लेवल तबाही वाले
मतलब जो फॉरेन कंट्री में जो ब्लॉग करते हैं ना कैंपिंग ब्लॉग, बिल्कुल सारा एकदम मतलब ए टू जेड, अगर आप बोलो तो सिर्फ अगर आपका प्यार सपोर्ट पूरे सही तरीके से रहा तो केवल बुशक्राफ्ट ही बना ले, सिर्फ बुशक्राफ्ट कैंपिंग करेंगे एकदम बहुत ही अच्छे अच्छे लोकेशन पे ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे गाइज। और आप लोग जो लोकेशन बोलेगे वहाँ पे भी जाएंगे, तो जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर दो, शेयर सब्सक्राइब जहाँ जो करना है वो करो, और जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर दो, और उसके बाद में तबाही में जाएंगे। तो बाय बाय, गुड नाइट। लाइट ऑफ कर देगा, गाइस यार एकदम सामने आ चुका है एकदम भाई, एकदम नीचे है यार, यार झुंड में आ जाएगा ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा भाई। अभी 1 बजे एकदम चिल्ला रहा है यार, चिल्ला हो गाजर, चिल्लाएंगे तो थोड़ा शांत हो जाएगा। गाजर इधर से भी आवाज आ रहा था, मनीष भाई डंटा उंटा हाथ में ले ले यार, ऐसे ही जाओगे क्या भाई साहब? गाजर अभी ना पूरा एकदम नींद में सोए हुए थे, नहीं दिखेगा। गाजर अभी पूरा नींद में सोए हुए थे, अचानक से इतना जोर से एकदम चिल्लाया ना कि हमको लगा एकदम सामने आ गए, इस वजह से हबड़ा करके हम लोग निकले हैं, और आग जल रहा है, इससे नहीं जल रहा है। चलो आगे यार थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि रात भर अच्छे से फिर सो पाएंगे, तो चलो भाई देख लेते हैं थोड़ा आगे। ये पत्थर मारे तो थोड़ा शांत हुआ है, लगता चला गया बाहर, भाग गया लगता है ना, कल भाग गया होगा, भाग गया होगा सियार है। खैर कोई बात नहीं, ज़्यादा डर, लेकिन झुंड में एकदम इतना ज़ोर से चिल्लाया ना पूछो मत, मैं आप लोग को लग के हड़बड़ी में दिखा भी नहीं पाया, तो चलो चलो अब गाइस यार, तो चलो अब सोते हैं, खैर ज़्यादा डरने की बात नहीं है, और आसपास में 2-3 डंडे और रख लेंगे, फिर अब चलो सोते हैं, तो बाय यार, गुड नाइट फिर से।